तुम्हारा शक सही है बालवीर। तिमनासा ने विवान की आत्मा को चिंटू के शरीर में कैद कर लिया है। लेकिन मैंने तो विवान के शरीर पर सुरक्षा कवच लगाया था, तो फिर तिमनासा कामयाब कैसे हो गई? आत्माओं की अदला बदली करने के लिए तिमनासा ने एक जादुई कीड़े का इस्तेमाल किया है, और इस कीड़े की मदद से वो काल विधि को अंजाम देना चाहती है। काल विधि? जिस तरह तिमनासा ने बाल परी को अपने वश में कर लिया है, उसी तरह काल विधि के जरिए वो विवान को भी हमेशा के लिए अपने काबू में करना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते शौर्या। तिमनासा को काल विधि पूरी करने से हम रोकेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पता लगाना होगा कि आखिर तिमनासा काल विधि में करने क्या वाली है। तिमनासा इस विधि की शुरुआत काल हवन से करेगी, उसके बाद वो चिंटू के शरीर से विवान की आत्मा को बाहर निकालेगी। इस दौरान तुम्हारे पास सिर्फ 10 क्षणों का समय होगा। सिर्फ 10 क्षणों में हमें विवान की आत्मा को उसके शरीर में वापस डालना होगा? हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा देर अगर किसी की आत्मा शरीर से बाहर हो तो फिर वो कभी अपने शरीर में वापस नहीं लौट सकती। इसका मतलब हमें विवान के अंदर जो चिंटू की आत्मा है उसे भी काल लोग साथ में लेकर जाना होगा, ताकि उसे चिंटू के शरीर में डाल सके। कुछ याद आए ये जगह देखकर? तुम्हें कैसे याद होगा, तुम तो उस वक्त बेहोश थे, लेकिन आज तुम होश में हो। आज तो तुम अपनी आंखों से देखोगे सब कुछ। अब तुम देखोगे खुद को बालवीर से कालवीर बनते हुए। तिमनासा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पार्टनर तुम्हें जरूर रोकने आएंगे। वही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पार्टनर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए, ताकि वो भी तुम्हें बालवीर से कालवीर बनते हुए देख सके अपनी आंखों से। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी तिमनासा, पार्टनर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हमें इसका काल स्नान इन रेत के कणों के खत्म होने से पहले ही करना होगा, और एक बार काल स्नान हो गया फिर विवान की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगी कालवीर, और वो बन जाएगा हमारा गुलाम। और इस बीच में अगर बालवीर आ गया तो उसे आने देना। विधि पूरी करने के लिए मुझे विवान के शरीर की भी जरूरत पड़ेगी, जो बालवीर ही लेकर आएगा। सिर्फ ये ध्यान रहे कि इस विधि में वो अड़चन पैदा ना कर सके। चिंटू बेटा, तू कहाँ चला गया है? मम्मी, अगर आज शाम तक मेरा चिंटू वापस नहीं आया ना तो मम्मी, मैं आ गया हूँ। हमारे जले पे नमक छिड़क रहा है विवान। नहीं नहीं चींटी, मैं नमक क्यों छिड़कूंगा, बल्कि मुझे तो पता है कि तू मीठे की शौकीन है ना? देखो विवान। अरे पापा, मैं विवान नहीं, मैं चिंटू ही हूँ इस विवान के शरीर में। ये क्या मजाक है? नहीं नहीं पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए ना, मैं चिंटू ही हूँ। विवान, हमारे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, पहाड़ टूटा है हम पे, और तुझे मजाक सोच रहा है? रुक, मैं तुझे बताती हूँ, रुक भाई। नहीं नहीं मम्मी, नहीं, मेरा यकीन। अरे मम्मी बोल रहा है, देखो। अरे मशरूम, इतनी हिम्मत, चल ले मम्मी। रुक जा विवान। अरे अरे, रुक जाए रुक जाए।
देखिए मैं समझाता हूँ चिंटू को, मतलब विवान को, विवान को। आओ विवान। वो देव और उसकी बहन है ना, वो तिमनासा से मिले हुए हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम विवान नहीं चिंटू हो तो तुम्हारे शरीर कभी वापस नहीं आ पाएगा। तुम इस शरीर के अंदर ऐसे नहीं, मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है, तुम ही हो इस कहानी के असली विलेन मिस्टर देव जोशी। तिमनासा चिंटू को मेरे खिलाफ कर चुकी है, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। हे तबा तबा, नन्ही उंगली की कसम, इस बार तो हमारी बहरानी को पक्का वो मिलेगी, वो कामयाबी। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन जो हमें लगता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो सदमे की तरह जोर से लगता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, तालो पाले बोलते सर। मैंने तो नहीं बोला, फिर भी बालवीर आया। चिंटू चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हमें पता है कि तुम्हें कोई परेशानी है, ये मस्ती परी है। हेलो मस्ती परी। हेलो चिंटू, तुम ऐसे भाग क्यों रहे थे? वो देव भैया और मेघा दीदी ने मिलकर मेरी आत्मा को इस विवान के शरीर में डाल दिया है। ये सब तुमसे किसने कहा? परी आंटी ने। वो परी आंटी नहीं थी, तिमनासा थी, काललोक की भैरानी, उसी ने तुम्हारे साथ ये सब किया है। इसका मतलब देव भैया और मेघा दीदी बिल्कुल बेकसूर है। हाँ चिंटू, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आज सच में यकीन हो गया कि बालवीर और परियां भी होती है। हमें पहले यहां से जाना होगा, चलो। मम्मी, नहीं ये कहाँ आ गया? हमारे पास विवान की आत्मा को वापस उसके शरीर में डालने के लिए 10 क्षणों का ही वक्त है। रुकावट के लिए खेद है। आओ बालवीर, बस तुम्हारा ही इंतजार था। परियो, चिंटू की सुरक्षा करो। कितना नहीं शर्त लगा, इस बार भी पालवीर हमारी पतंग काट ले जाएगा। लगा लगा। अरे तू चुप करना तोबा तोबा। तिमनासा की विधि को तोड़ने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ध्वनि परी। हाँ बालवीर। विवान के शरीर को मूर्ति के पास ले जाओ, हमें उसकी आत्मा तुरंत उसके शरीर में डालनी होगी। ठीक है बालवीर।
ये शैतानी कहीं इनके चांद तो नहीं है? तोबा तोबा, चल रुक दे इनको, चल 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 चल। बालवीर, हम चिंटू के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है ध्वनि पर, जल्दी करिए। बालवीर, तुम्हारे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है? हमें विवान की आत्मा को हटाना चाहिए बालवीर, शायद काम बन जाए। बस अब कुछ पल और, फिर विवान हमेशा के लिए बुरी शक्तियों का गुलाम बन जाएगा। क्या हुआ बालवीर? कुछ नहीं कर पाए ना तुम और तुम्हारी ये परियां? जादू नहीं चल रहा, खुश हो गया सारा जादू। टिम्नासा, विवान की आत्मा को छोड़ दो वरना मैं काल परी को मार दूंगा। वो तुम्हारी माँ है बालवीर, उसके साथ जो करना है करो। आत्माओं की अदला बदली करने के लिए टिम्नासा ने एक जादुई कीड़े का इस्तेमाल किया है। परियो, काल विधि को रोकने के लिए उस जादुई कीड़े को मारना होगा। इन्होंने ही मुझे सिखाया है, अच्छाई और सच्चाई की जीत के लिए अगर अपनों का भी बलिदान देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इसके साथ क्या करोगे, जो करना है करो। दे दो अपनी माँ का बलिदान। ध्यान थोड़ा कच्चा है तुम्हारा टिम्नासा, अगली बार थोड़ा संभल कर। एक पल भी देर कर दी होती ना आपने पार्टनर, तो आज तो मैं गया था काम से,
बालवीर जी, ये विवान आपको पार्टनर क्यों बुला रहा है? इसमें ऐसा क्या खास है जो मुझ में नहीं है? छोटा पेट और बड़ा दिमाग। ए विवान, चिंटू, हर इंसान इस धरती पर किसी खास मकसद से पैदा होता है। लेकिन इसको तो अपना मकसद मिल चुका है ना, खाना। ओके ओके, सॉरी। तू जल रहा है ना विवान मुझसे? नहीं। अब मैं तुझे और भी जलाऊंगा। मैं हर किसी को बताऊंगा कि बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने और बालवीर ने तिमनासा आंटी को मिलकर सबक सिखाया था। नहीं चिंटू, ये एक सीक्रेट है और तुम्हें भी इसे सीक्रेट ही रखना होगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हैप्पी न्यू ईयर चिंटू। हैप्पी, हाँ हैप्पी न्यू ईयर देव भैया। हैप्पी न्यू ईयर मेघा जी। हैप्पी न्यू ईयर चिंटू। हैप्पी न्यू ईयर विवान। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। अरे चिंटू, अरे तुम इधर आओ। अरे सब लोग तुम्हें कहाँ ढूंढ रहे हैं? हाँ तुम कहाँ चले गए थे? मम्मी डैडी कितने परेशान है पता है? लाल बगीचे में सफेद हाथी घास चढ़ता हुआ पाया गया है? ये दोनों बातें अलग है। चल 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 चल। कानून जी, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू एंड सेम टू यू देव। थैंक यू एंड सेम टू यू चिंटू। थैंक यू एंड सेम टू यू विमान। सेम टू यू मेघा जी। चले चलो क्या कर रहे हो? हाँ ऐसे बना बिना बताए जाते हो तुम मम्मी डैडी को, ये अच्छी बात नहीं है। वैसे विवान, तुम्हें याद है ना कि तुम न्यू ईयर कैसे मनाना चाहते थे? हाँ पार्टनर, वृद्धाश्रम में जाके लोगों की सेवा करना। तो फिर जाओ, नेक काम में देरी क्यों? हाँ अभी जाता हूँ। भूख लगी है, भूख लगी है। मम्मी जल्दी लाओ ना। हाँ हाँ खुशी, विवान ये लो। वाह, तुम लोगों का नाश्ता मेरी फेवरेट है। तू तो हर मिठाई का अपना फेवरेट बोलता है। दीदी जलेबी मेरी सबसे फेवरेट है क्योंकि ये भी मेरी तरह दिखने में गोलमोल लगती है, पर है दिल से मीठी और दीदी दादी। खबरदार, खुशी के हिस्से की जलेबी को हाथ भी मत लगाना। हाँ ठीक है। दीदी आप कितना धीरे धीरे खा रही हो, इतनी देर में तो आपकी प्लेट की आधी जलेबी ठंडी हो जाएगी। मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं दीदी, ये टेढ़ी मेढ़ी जलेबियाँ आपके सीधे साधे भोले भाले भाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। हाँ क्योंकि भाई बहन के प्यार से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मम्मी का ऑर्डर, और मम्मी ने खाई जलेबियों को हाथ भी मत लगाना। ठीक है तो मैं नहीं हाथ लगाऊंगा जलेबी को, लेकिन पूरी प्लेट को हाथ लगा लूंगा। विवान रुको, तूने तिमनासा को देखा है क्या? अच्छा भैरानी तो आपकी अभिन्न मित्र है, धरती लोक की भाषा में बोलू तो BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। अरे वो तो आपको पता होगा ना वो कहाँ है। ए, भैरानी आ गई। ये तुम्हारे हाथ में कैसा विचित्र फल है तिमनासा? ये विचित्र नहीं, विशेष फल है विमर। अरे काल लोक में फूल तक नहीं खिलता, फल कहाँ से खिलेगा? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तौबा तौबा। कई साल पहले मैं अंतरिक्ष में एक बीज की खोज में गई थी, जहां मुझे एक ग्रह के ऊपर वो बीज मिला जिसे मैंने गाललोक में उगाया था, और उस पेड़ ने ही मुझे आज ये दो फल दिए हैं जिसमें से एक मेरे हाथ में है। क्या इस एक फल का स्वाद चखना चाहोगे? तो बताओ कौन चखेगा इस फल का स्वाद सबसे पहले? और कौन? मुझे दीजिए। मुझे दीजिए। एक काम करते हैं, मैं इस फल को तुम दोनों की तरफ उछालते हूँ, ये फल जिसके भी हाथ लगा वो इसका स्वाद चखेगा। ठीक है? ये सही रहेगा। ये आ, आ,
मैंने मना किया था ना जलेबी को हाथ लगाने से। लेकिन मम्मी इसमें मेरी क्या गलती? ये जलेबी इतनी टेस्टी क्यों बनती है? इतना लालच अच्छा नहीं होता विवान। लेकिन मम्मी ये जलेबी है ये तो है। लगता है तुझे लालची राजा की कहानी सुनानी ही पड़ेगी अब। लालची राजा? हाँ, जिसे वरदान मिला था कि वो जिस चीज को हाथ लगाएगा वो सोने की बन जाएगी। पर एक दिन वो इतना लालची बन गया कि बाकी चीजों के साथ साथ उसने अपनी सबसे प्यारी बेटी को भी हाथ लगा दिया और वो सोने की मूर्ति बन गई। समझा कुछ? समझ गया। लालच बुरी बला है। ये लो दीदी आपकी जलेबियां। ए ए नन्ही उंगली, ए ए थोड़ा दे रे, ए ए ए। अरे क्या हूं कर रहा है, देना मुझे। इसको क्या हो गया? यही तो इस फल का कमाल है जगदाली, कि इस फल को खाने वाला व्यक्ति जिसे भी छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा। विवान अब देखती हूँ कैसे बचाएगा तुम्हें बालवीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।